हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर, डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 3 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स इज नियरेस्ट टू। ओके, सो क्वेश्चन में दे रखे है कि एट द बॉटम ऑफ द टैंक हमने एक होल बना रखा है, ठीक है, ये हमने इसको वाटर से फिल किया हुआ है। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स, यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो होगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स हो गया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, फिर h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द ऑरिफिस, अबव द होल हाइट होगी, ठीक है, ये h। अब देखो हमें क्वेश्चन में देखा है द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम ऑफ द टैंक यहाँ पे जो हमें प्रेशर दे रखा है इस पॉइंट क्यू पे, दैट इज 3 एटमोस्फेरिक, ठीक है। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 एटमॉस्फेरिक हमें दे रखा है, राइट, और 1 एटमॉस्फेरिक हमारा 10^5 के कुल दे रखा है, ठीक है। अब देखो टोटल प्रेशर एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसके इक्वल ले लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेटली 10^5, ठीक है प्लस में, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, जी की वैल्यू आपके पास 10, एच, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 10^4h इक्वल्स टू 10^5 को मैं उधर लेके जाऊंगी, ये आ जाएगा 2 × 10^5, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10^5 डिवाइड बाय 10^4, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। h की वैल्यू 20 मीटर आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, 2 × g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 20 है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।